नमस्कार, मैनपुरी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी ठाकुर। मैनपुरी के कलेक्ट्रेट परिसर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राजस्व संग्रह अमीन संघ मैनपुरी के बैनर तले समस्त अमीनों ने धरना प्रदर्शन किया। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी के तहसील परिसर में पुरानी पेंशन बहाली को राजस्व संग्रह अमीन संघ मैनपुरी के बैनर तले समस्त अमीनों धरना प्रदर्शन कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। इस मौके पर राजीव प्रजापति, सुरेश चंद्र, सुरेश कुमार, विपिन कुमार, सुदेश कुमार, सुधीर यादव, महेंद्र यादव, धीरेंद्र तोमर सहित आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। नाम विकास मिश्रा। आप लोगों ने आज तहसील परिसर में धरना रखा है, क्या वजह है? हम लोगों की मांग है पुरानी पेंशन हम लोगों की बहाल की जाए, जो कि 1 जनवरी 2004 से बंद है। जितने भी 1 जनवरी 2004 के बाद कर्मचारी नियमित हुए हैं उनकी पुरानी पेंशन बंद की गई, जिसके विषय में हमारे पार्टी नेतृत्व ने हम लोगों को निर्देशित किया है और ये दिनांक 12 तक अभी लोग हम लोग केवल कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल भी जा सकते हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल भी बैठेंगे।